तो नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रही हूँ उसका पार्ट 4 लेकर के आई हूँ। हमारी कोशिश होगी कि मैं इस पर एक भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ना छोड़ूँ और ना ही छोड़ने दूँ किसी व्यक्ति को। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, जो 1857 का जो क्रांति थी, उसमें बिहार का क्या योगदान रहा और इससे संबंधित किस किस व्यक्तियों ने काफ़ी अहम और ऐतिहासिक कदम को उठाया था। आइए इन सारी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले हमारा आज का जो चैप्टर है 1857 का विद्रोह, इससे रिलेटेड जितने भी संबंधित क्वेश्चंस होंगे सबको हमारी कोशिश है कि मैं इस पे बातें करूं। आइए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अविभाजित बिहार, मतलब उस वक्त जो झारखंड भी कंबाइंड था, में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? तो यह भागलपुर में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो तिरहुत के। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो ई ए सैमुअल्स का कथन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया? तो इसका आंसर है राजपूत। जैसे कि राजपूत ब्राह्मण एवं मुसलमानों की भर्ती की मनाही थी, क्योंकि ये लोग फॉरवर्ड थे और फॉरवर्ड यहाँ से इसको ये लोग पसंद नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो डॉक्टर आर लॉयल 1857 के विद्रोह में पटना में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया? तो 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू किया, 30 जुलाई 1857 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के दानापुर जो पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, वो कब किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। पटना की टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 को क्या किया था? विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? तो 75 वर्ष, वो 75 वर्ष के शेर थे जिसको बूढ़ा शेर की संज्ञा दिया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? तो रथ भंजन सिंह थे, अमर सिंह थे जो उनके भाई ही हैं, और जय श्री कृष्ण सिंह थे। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? तो ये सैमुअल ने कहा था। किसने कहा था? सैमुअल्स ने कहा था। 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह ने, जो कुंवर सिंह जी के भाई थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? तो विसेंट आयर ने कुंवर सिंह की सेना को बुरी तरह पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो वह नवादा के थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं NI को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी को ने विद्रोह कर दिया? तो यह इसका आंसर है भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने के संदेह अंग्रेजों ने किया? तो यह दरभंगा महाराज पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के शाहबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? तो डुमराव के महाराज को। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है किस चीज़ से? कहाँ से? तो भागलपुर से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो
बाबू कुंवर सिंह थे, ये बीपीएससी 7 से 62 2017 का भी क्वेश्चन रहा है। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो यह पटना के थे, ये सारे व्यक्ति पटना के पॉपुलर लीडर थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना? तो सोन नदी का। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो वह रोहतास के थे। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रैट्रे ने गोलियों से उड़वा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो हैदर अली ने। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया? तो वजीरगंज नवादा में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नवादा में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था? तो 3 अगस्त 1857 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही कौन थे? तो जीवधर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ई.एस. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो चंपारण में। मोतिहारी के समीप सुगौली में घुसावरों का एक दल ने हत्या कर दी थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका आंसर है मुंगेर। ये बीपीएससी 41वीं का क्वेश्चन रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तो तिरहुत के। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह से पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845 से 1846 के दौरान। साथियों, पार्ट 4 में आज इतना ही रखेंगे। अब पार्ट 5 में इसका जो बचे हुए पार्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।